हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आपके इस नए यूट्यूब चैनल इंग्लिश सिंह में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 2 दिन पहले ही मैंने एक मॉडल से रिलेटेड वीडियो डाली थी, जिसमें हम काफ़ी सारे मॉडल्स कंप्लीट कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। सो बाकी के जो बचे हुए मॉडल्स हैं, जैसे यूज टू है, नीड है, ठीक है, डेयर नॉट है, इन सभी मॉडल्स को आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए विल और शैल का यूज़। विल और शैल का यूज सिंपली मतलब सिंपल फ्यूचर में इसको हम यूज करते हैं, या फ्यूचर इंडेफिनेट आप कह सकते हो, ठीक है। सिंपल फ्यूचर में इसको हम यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट कह सकते हो। लाइक आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ हम विद, ऑल अदर्स हम विल का यूज करते हैं फॉर फ्यूचर टेंस, ठीक है। कि आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। दे विल ब्रिंग सम बुक्स, वो कुछ किताबें लाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से है, सिंपल फ्यूचर के साथ यूज करने, किसको, विल को और शैल को, मतलब सिंपल फ्यूचर में यूज करना है, सॉरी साथ नहीं। सो आई और वी, इन दोनों के साथ शैल का यूज करते हैं, बाकी जितने भी हमारे प्रोनाउंस होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, उनके साथ हम विल का यूज करेंगे, चाहे कोई दे है, चाहे ही है, चाहे कोई शी है, ठीक है ना, सभी के साथ विल का यूज होता। बाकी आजकल के टाइम में हम देखें तो शैल का यूज हम आई और वी के साथ बहुत कम करते हैं। आई और वी के साथ अगर आप विल का यूज भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। दे विल कम टुमारो, वो कल आएंगे। दे विल ब्रिंग सम बुक्स, वो कुछ किताबें लाएंगे। आई शैल मेक अ प्रोजेक्ट टुमारो, मैं कल एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। सो कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हो सिंपल फ्यूचर में, जब हमने इन दोनों का यूज करना हो, ठीक है, क्लियर। आइए उसके बाद देख लेते हैं ऑफर, ठीक है। ऑफर के लिए, टू ऑफर समथिंग, शैल और कैन का यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। शैल आई हेल्प यू, अगर आप किसी को कोई हेल्प ऑफर कर रहे हो, है ना, सामने वाला बंदा किसी मुसीबत में है, आप उसकी हेल्प करना चाहते हो, आप हेल्प ऑफर करना चाहते हो, सो आप क्या पूछोगे उससे, शैल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मतलब आप हेल्प ऑफर कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। कैन आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें भी आप ऑफर कर रहे हो कि भाई तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, मैं ओपन कर देता हूँ। सो कैन आई ओपन द विंडो, शैल वी प्ले अ मैच, ठीक है। यहाँ भी आप ऑफर कर रहे हो उसे, सामने वाले को ऑफर कर रहे हो कि शैल वी प्ले अ मैच, क्या हम मैच खेलें, ऑफर कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शैल आई ब्रिंग यू, Shall I bring you a glass of water? Glass of water. क्या तुम्हारे लिए पानी का गिलास लाऊं? Shall I bring you a glass of water? यहाँ glass of water आप ऑफर कर रहे हो, पानी ऑफर कर रहे हो सामने वाले को। Shall we go to the market? ठीक है, शैल वी गो टू द मार्केट, यहाँ आप क्या ऑफर कर रहे हो कि चलिए मार्केट चलते हैं, ठीक है। आप मार्केट जाना चाहते हो किसी के साथ, या आप पूछ रहे हो कि क्या तुम मार्केट चलोगे मेरे साथ, सो शैल वी गो टू द मार्केट, क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं इनविटेशंस के लिए, ठीक है। इनविटेशंस के लिए मतलब चाहेंगे के रूप में इसका यूज किया जाता है, वेरी पोलाइट वे में यूज होता है ये। वुड का यूज इसमें हम करते हैं फॉर इनविटेशंस, ठीक है। कौन से मॉडल का यूज करते हैं, वुड का। फॉर एग्जांपल, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप ऑफ टी लेना चाहोगे, ठीक है, चाहोगे या चाहेंगे के रूप में हम इसका यूज कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय लेना चाहोगे। वुड यू लाइक टू गो विद मी, वुड यू लाइक टू गो आउट विद मी, क्या मेरे साथ चलना चाहेंगे। Would you like to dance? क्या आप डांस करना चाहेंगे? Would you like to sing a song? क्या तुम एक गाना गाना क्या आप एक गाना गाना चाहेंगे? ठीक है? So, इन चारों ही केसेस में हमने वुड का यूज किया है। किसके लिए किया है? For invitations,
चाहेंगे के रूप में हमने इसका यूज किया है, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्लियर। तो चलिए इसके साथ देखते हैं सजेशंस और ऑब्लिगेशन, ठीक है। सजेशन और ऑब्लिगेशन के लिए हम इन तीन मॉडल्स का यूज करते हैं, मस्ट, शुड और ऑट टू का। इन दोनों में सजेशन के लिए हम मस्ट और शुड का यूज करेंगे यहाँ। फॉर एग्जाम्पल इन तीनों का ही यूज देखो चाहिए के रूप में होता है, चाहिए हिंदी में चाहिए, जैसे यू मस्ट गो आउट टू प्ले, गो आउट टू प्ले, यू शुड कंप्लीट योर वर्क, यू शुड सिंग अ सॉन्ग, यू मस्ट टेक अ शावर, ठीक है। सबसे पहले ये देख लेते हैं मस्ट का और शुड का यूज। सो यू मस्ट गो आउट टू प्ले, तुम्हें बाहर खेलने जाना चाहिए, ठीक है। ये सजेशन है, एडवाइस, सजेशन दे रहे हैं हम किसी को, सुझाव दे रहे हैं। यू मस्ट गो आउट टू प्ले, यू शुड कंप्लीट योर वर्क, तुम्हें अपना काम कंप्लीट करना चाहिए, यू शुड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, समय पे कंप्लीट करना चाहिए, सजेशन दे रहे हैं। यू मस्ट सिंग अ सॉन्ग, तुम्हें गाना गाना चाहिए, सजेशन दे रहे हैं। कई बार गाना गाने से या गाना सुनने से क्या होता है, हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है ना। सो यू शुड सिंग अ सॉन्ग, यू शुड लिसन द सॉन्ग्स, यू मस्ट टेक अ शावर, तुम्हें शावर लेना चाहिए। कई बार बहुत गर्मी होती है, पसीने से भरे होते हैं, इन दैट सिचुएशन यू मस्ट टेक अ शावर, तो हम किसी को एडवाइस करते हैं, सजेशन देते हैं कि भाई थोड़ा नहा लीजिए, ठीक है, यू मस्ट टेक अ शावर। अगर हम बात करें ओट टू की, ओट टू का मतलब भी चाहिए ही होता है, ओट टू का जो मतलब होता है वो भी चाहिए ही होता है, बट इसका यूज हम ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं। ऑब्लिगेशन क्या होता है, कर्तव्य, ड्यूटी, ठीक है। सो यू ओट टू रिस्पेक्ट आर नेशनल फ्लैग, के आपको हमारे नेशनल फ्लैग की रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट आर नेशनल फ्लैग, इट मीन्स आपको हमारे नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू ऑट टू प्लांट सम ट्रीज, कुछ पेड़ लगाने चाहिए। यू ऑट टू प्लांट सम ट्रीज, ठीक है। ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, कर्तव्य की बात कर रहे हैं। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है। यू ऑट टू प्रोटेक्ट आर पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। सो अगर और एग्जांपल की बात करें, सो यू ऑट टू हेल्प द पुअर पीपल, यू ऑट टू हेल्प द नीडी पीपल, ठीक है ना। सो इनका यूज हम चाहिए के रूप में करते हैं, बट जो ऑट टू है ये ऑब्लिगेशन और कर्तव्य के लिए यूज हो रहा है, यहाँ हम सजेशंस के लिए इनका यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं डेयर। डेयर का यूज हम कब करते हैं, टू एक्सप्रेस एबसेंस और प्रेजेंस ऑफ करेज, एबसेंस और प्रेजेंस ऑफ करेज। करेज क्या होता है, साहस, हिम्मत, है ठीक है। एबसेंस और प्रेजेंस ऑफ करेज को दर्शाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम डेयर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाउ डेयर यू टू टच दिस, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की। हाउ डेयर यू टू टच दिस बुक, हाउ डेयर यू टू टच दिस टॉय, हाउ डेयर यू टू टच माई पेन, ठीक है ना, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसमें हम क्या शो कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ करेज। सो राम डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, राम डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, कि राम की हिम्मत नहीं है कि वो मेरे अगेंस्ट बोल जाए। तो इसमें हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, एब्सेंस ऑफ करेज, ठीक है, कि राम डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, राम डेयर नॉट गो अलोन एट नाइट, कि रात को बाहर अकेला जाने की उसकी हिम्मत नहीं है। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं यूज टू। ये जो छोटे छोटे मॉडल्स हैं बहुत ईजी मॉडल्स हैं, ईजिली आप लोग इसको समझ जाएंगे। यूज टू क्या होते हैं, यूज टू मतलब
किसी भी पास्ट के हमारे हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, हमारी पीछे पुराने टाइम की जो आदत थी, डेली रूटीन थी, उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन और रूटीन ऑफ द पास्ट, पास्ट की रूटीन, प्रेजेंट की नहीं, पास्ट की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू टेक कॉफी इन द मॉर्निंग, के मेरी आदत थी, आई यूज टू टेक कॉफी इन द मॉर्निंग, के मैं मॉर्निंग में कॉफी पीना पसंद करता था। दे यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी डे, दे यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी डे, के वो डेली क्रिकेट खेला करते थे, ठीक है ना। यहाँ इन दोनों सेंटेंसेस में क्या शो किया गया है, पास्ट की हैबिट और पास्ट की रूटीन को शो किया गया है। तो आप इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ही यूज टू राइट पोएम्स ड्यूरिंग स्कूल डेज, ही यूज टू राइट पोएम्स ड्यूरिंग स्कूल डेज, के वो अपने स्कूल के दिनों में पोएम्स लिखा करता था, पोएम्स लिखा करता था, मतलब ये पुरानी रूटीन थी, लिखा करता था, अब नहीं लिखता है, ठीक है ना। या अब हमें मालूम नहीं है कि लिखता है या नहीं लिखता, बट हम इस चीज को कंफर्म है कि ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, जब वो अपने स्कूल में पढ़ता था उस टाइम पे लिखा करता था। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। नीड, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी एडवाइस और सजेशंस। नेसेसिटी एडवाइस, नेसेसिटी क्या होता है, जरूरत, है ना, जो काम हमें करना, मतलब एक तरफ से, एक तरह से जरूरी होता है। एडवाइस और सजेशन, जब हम किसी को सुझाव देते हैं, तो इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसका यूज़ करने, नीड का यूज़ करने। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। यू नीड टू लर्न ऑल एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर वन, कि तुम्हें चैप्टर वन के सभी एमसीक्यूज करने की आवश्यकता है। यू नीड टू लर्न ऑल द एमसीक्यूज इफ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम। यू नीड नॉट गो अलोन इन द मार्केट, अकेले जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है, इसको आप सजेशन मान लीजिए, एडवाइस मान लीजिए। शी नीड टू परचेज अ कार, शी नीड टू परचेज अ कार, तुम्हें कार खरीदने की जरूरत है, मतलब उसे एक कार खरीदने की जरूरत है। दे नीड नॉट बाय दैट बुक, उन्हें यह बुक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, दे नीड नॉट बाय दैट बुक, क्लियर। सो आई होप आपको नीड का यूज भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हमारा जो मॉडल्स का टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए, ताकि आपको रोज़ रोज़ नए नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।